Good morning, students. I welcome you in my class. So let's start with today's work. Today I am going to teach you sum number 16 in this session, which is based on volume. We already done question number 15, which is based on area. स्टूडेंट्स, हम ये वाला क्वेश्चन इसका सॉल्व कर चुके हैं. 15th वाला जो एरिया पर बेस था, सेम इसी वैल्यू पर आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसका 16th क्वेश्चन जो वॉल्यूम पर बेस है. अब आपको पता है डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड. आप लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ा है 8th क्लास में. यहां पर आप देख सकते हैं क्यूबॉइड की शेप क्या होती है. क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनी हुई एक सॉलिड थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, जिस तरीके से ये मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स है. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड. ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये हमारे पास इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है. तो ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है. इसी तरह से स्टूडेंट, जैसे हमारे पास डेयरी होती है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि एक इसकी लेंथ है, एक ब्रेथ है, और एक हमारे पास क्या है, हाइट है. तो अब हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम के साथ हमें क्या निकालना है, इसकी डायमेंशंस निकालनी है. तो क्यूबॉइड की तीन चीजें डायमेंशंस होती है, मैंने अभी आपको शो की है क्या होता है. एक लेंथ होती है, और जैसे एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है. तो हमें क्यूबॉइड का डायमेंशंस निकालनी है. वॉल्यूम गिवन है 3x किया माइनस 12x, तो हम इन दोनों में से 3x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12. तो अब इसके तीन फैक्टर्स बन गए, 3 इंटू एक्स माइनस 4. तो हम एक को लेंथ बोलेंगे, एक को ब्रेथ बोलेंगे, और एक को हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे. तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएंगी. सेम इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे. वॉल्यूम गिवन है. अब सबसे पहले इसमें से कॉमन देखो क्या निकलेगा. इन सब में से 4k कॉमन निकल जाएगा. अब जो अंदर वाली हमारे पास टर्म्स बनी है, ये हमारे पास क्या बची है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बच गया. तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इसके तीन आंसर्स निकलेंगे, एक जो बाहर कॉमन लिया था, और दो ये फैक्टर्स निकलेंगे 3k प्लस 5 एंड y माइनस के. तो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी, और एक क्या हो जाएगी हमारे पास, हाई. स्टूडेंट्स, आज आपकी ये एक्टिविटी रहने वाली है. आप ये एक्टिविटी करेंगे अपनी कॉपी के अंदर भी. एक्टिविटी कॉपी के अंदर आप एक क्यूबॉइड बनाएंगे, चाहे ग्राफ पेपर में से बनाएं या कलर्ड पेपर में से या किसी भी कटिंग कटआउट से. क्यूबॉइड बनाते कैसे हैं ये मैं आपको सिखा देती हूँ. स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना मेजरमेंट का, फिर उसके सेंटर प्वाइंट से उतनी ही सेम मेजरमेंट का एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, और फिर इसके वर्टिसेस को मिला दो आप, ये आपका क्यूबॉइड तैयार हो गया. एक कलर्ड पेपर में से आप क्यूबॉइड को काटेंगे और कट करके पेस्ट करेंगे अपनी एक्टिविटी कॉपी के अंदर, और फिर उसके बारे में आप नोट करेंगे. सुंदर सा कोई स्माइली सा फेस बना दो. हाय, आई एम अ क्यूबॉइड, आई हैव थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. क्या प्रॉपर्टीज होती है, या तो तीनों चीजें डिफरेंट होंगी, लेंथ नॉट इक्वल टू ब्रेथ, नॉट इक्वल टू हाइट, या हो सकता है लेंथ ब्रेथ के इक्वल हो लेकिन हाइट के इक्वल ना हो, या हो सकता है लेंथ ब्रेथ नॉट इक्वल हो लेकिन ब्रेथ हाइट के इक्वल हो. तो कोई भी केस हो सकता है, लेकिन किसी भी केस में तीनों इक्वल नहीं होंगे. आपको पता है तीनों जब इक्वल हो जाएंगे तो वो क्यूब बन जाता है. तो माई वॉल्यूम इज, क्यूबॉइड को वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सर्फेस एरिया कैसे निकलता है, 2lb प्लस bh प्लस hl. तो ये आपका आज का एक्टिविटी का काम रहेगा, और ये दो क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट करेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप में से जो भी फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप इसके सारे प्रीवियस लेक्चर्स मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं कोई वीडियो डालती हूँ जो आपके सिलेबस का तो नहीं होता लेकिन मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आप उसको बड़े आराम से देखकर अपने मैथ्स के बेसिस क्लियर कर सकते हैं. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.